4G तकनीक ने इंसानों के जीवन में क्रांतिकारी ला दी है। पैसों के लेन देन से लेकर हर हिस्सा आपको तकनीकी में उपलब्ध है। और आज ऐसे ही जुड़े मुद्दे से हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। मामला है बुली ऐप का। नमस्कार, मैं प्रीति रावत और आपके साक्षी। इन दिनों देश भर में एक ऐप बुली नामक ऐप काफी प्रचलित है। हर ओर इसकी आहट सुनाई दे रही है। देखा जाए तो अब इसके तार जो है उत्तराखंड से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। ताजा जानकारी की बात करें तो अब तक 2 गिरफ्तारी यहां पे हो चुकी है। मामला यह है कि बुली ऐप नामक जो ये ऐप है, इसमें विशेष समुदाय की महिलाओं की फोटो को अपलोड करके उनकी बोलियां लगाई जाती है। और यह सोचने का विषय है कि जिस देश में नारियों की पूजा होती है, जिस देश में नारियों को सम्मान से देखने रखने की बात कही जाती है, ऐसे ही देश में उनकी फोटो अपलोड करके उनको बेचने का, उन पर बोलियां लगाने का अधिकार किसने दिया? किसने यह सोच रची? किसने यह ऐप बनाया? क्या ऐसी सोच हमें बताती है कि हमारा देश का भविष्य किस ओर जा रहा है? बुली ऐप नामक इस ऐप के दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने का सिलसिला जारी है। और अभी ताजा जानकारी के अनुसार उत्तराखंड से इसके जो तार जुड़े हैं, इसमें जो गिरफ्तारी सामने आई है वह 18 और 21 वर्ष के एक लड़की और लड़के की है। तो कहीं ना कहीं यह भी सोचने वाली बात है कि जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई लिखाई को लेकर जागरूक होना चाहिए, अपने आने वाले भविष्य को लेकर सतर्क होना चाहिए, ऐसे में वह एक ऐसे जाल में फंस रहे हैं जो उनके भविष्य के साथ साथ अन्य लोगों को भी खतरे में डाल रहा है। 18 वर्ष की लड़की और 21 वर्ष के युवक की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है कि हमारा देश, हमारे देश के युवा किस दिशा में जा रहे हैं। बुली नामक इस ऐप में जिस प्रकार से महिलाओं पर बोली लगाई जा रही है, इसे किस ओर, किस नजरिए से देखा जाना चाहिए? वहीं बात करें तो इस समय कई राज्यों में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। चुनावों का दौर है, शायद इसीलिए सभी राजनीतिक पार्टियां और सियासी गलियारों में सिर्फ राजनीतिक चर्चाएं ही चल रही हैं। लेकिन यह एक सोचने का विषय है कि ऐसे ऐप पर प्रतिबंध लगाना ही क्या काफी है? क्यों जो है इसके विरुद्ध कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है? जो छोटे छोटे बच्चे हैं 18-21 वर्ष के, उनके दिमाग में ये जो उपज है, ये क्यों पैदा हो रही है? ये मामला केवल मुस्लिम महिलाओं का नहीं है, यह मामला है सभी महिलाओं से जुड़े मुद्दे का। किस प्रकार से हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति बनाई जा रही है, किस प्रकार से एक महिला के चरित्र को दर्शाया जा रहा है, यह एक गहन चिंतन का विषय है। बहरहाल, जो भी यह बुली ऐप का मामला है, इस पर कार्रवाई चल रही है। अब जब सच्चाई सामने आएगी तो ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। वही नारियों को पूजने वाले देश में उनकी बोलियां लगाना सोचने का विषय है। पढ़ाई लिखाई की उम्र में जो नौजवान अपने रास्ते से भटक रहे हैं, उन पर ध्यान देना जरूरी है। लिहाजा शासन प्रशासन से लेकर अभिभावकों तक यह मंथन करना होगा सबको कि हमारा देश विकसित कैसे हो, और ये जो जाल, तकनीकी जाल हमारे आसपास बुना जा रहा है, इसको लेकर आगे कैसे कदम बढ़ाए जाए, इनसे बचने के लिए क्या कुछ उपाय किए जाए।